जब कोई अपनी जान ऑनलाइन दे, उसकी बकायदा स्ट्रीमिंग करे, तो समझ लेना चाहिए कि दिल पर गहरी चोट लगी होगी, अपमान का बहुत बड़ा एक बोझ होगा। दोस्तों, हैरान करने देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां एक परिवार के 3 लोगों ने अपनी जान दे दी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जान देने से पहले 3 ने फेसबुक से लाइव करना शुरू किया और उसके बाद उस कृत्य को अंजाम दिया और पूरी वीडियो लाइव रिकॉर्ड हुई है। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक गुजारिश भी है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा और कंटेंट पे अपना राय जरूर दीजिएगा। इसे अपनी जो भी आप सोचते हैं इस घटना के बारे में जरूर बताइएगा। ये घटना भर नहीं है, दरअसल ये सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। जिन लोगों ने जान दी है, अशोक नस्कर, उनकी वाइफ रीता नस्कर और बेटा अभिषेक नस्कर। नस्कर दंपति की बेटी पूनम एक स्वनिर्भर गोष्ठी से जुड़ी हुई है। उस पर इस ग्रुप के 14 लाख हड़पने का आरोप है और ये जो एडसन भी गई है 2 दिन पहले ही। सुबह स्वनिर्भर ग्रुप की महिलाएं इकट्ठा होकर आती हैं और पूनम और उसके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनको बेहद अपमानित करती हैं, बुरा भला कहती हैं। स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाओं ने सबसे पहले पूनम को घर से बाहर निकाला, उसे साथ लेकर चली गई वो लोग और बाकी के लोगों को घर से बाहर निकाल के ताला लगा दिया। इस दौरान पूनम और उसके पति को रस्सी से बांध करके पूरे गांव में घुमाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। प्राथमिक जो जांच होती है उसमें ये पता चलता है कि इसी अपमान के बाद अशोक, रीटा और अभिषेक 3 बक्खाली चले गए और एक जंगल में जाकर के उन्होंने अपनी जान दे दी। हालांकि पूनम को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। घटना की जानकारी तब होती है जब 3 की जान देने की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है। डायमंड हार्बर थाना की जो पुलिस है वो इस मामले में तहकीकात कर रही है और स्वनिर्भर ग्रुप की 5 महिलाओं को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि कोई भी अगर लग रहा था कि घोटाला किया है या गबन किया है या उनके ऊपर कोई उधार बसता है, उन्हें उनके ऊपर कोई देनदारी है, तो उसका ये तरीका नहीं है कि उनको पति पत्नी को बांध करके पूरे गांव में घुमाया जाए। ये पुराने जमाने की बातें हैं जब इस तरीके से किसी को अपमानित करके दंडित किया जाता था। अब दंड देने के लिए हमारी न्याय प्रक्रिया है, कानून है, पुलिस है, सभी कुछ है और ये तरीका जो होता है वो इंसान को अंदर तक उसकी आत्मा को खत्म कर देता है। उसी के बाद इंसान ये सोचता है कि जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। और जिनके बच्चों के साथ ऐसा होता है उनके माता पिता उनका दिल ही जानता होता है। इसीलिए ये जो 3 लोग हैं इन्होंने अपनी जान दी, बकायदा लाइव जान दी। एक और चीज़ है यहाँ पे, आप और हम जानते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल कब किया जाता है और कुछ अच्छे अपडेट्स हों, कुछ आपके कन्फेशन हो, कुछ आपने नया किया हो, कुछ आपके घर में खुशी हो या कोई और रीज़न हो तो आप स्ट्रीमिंग करते हैं, आप अपने विचार साझा करते हैं। लेकिन किस ओर जा रहा है समाज? आज लोग अपनी जान दे रहे हैं स्ट्रीमिंग पे।
ये बहुत ही सोच का विषय है, गंभीर बात है। लोग अवेयर हैं कि हम ये दुनिया को, कानून को ये बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लेकिन आप चले गए तो उसके बाद आप तो नहीं है और लोग देख रहे हैं आपको। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि किसी की ऐसे जान जाती देख करके कोई उससे सबक ले। कोई ऐसी घटना से सबक नहीं लेता है जब कोई बहुत अजीबोगरीब बात होती है, उससे भले ही कोई सबक ले ले, लेकिन इस तरीके की चीजें जो लोग कर रहे हैं, लाइव जान देने की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वो भी अपने आप में गलत है। लेकिन वो उन्होंने क्यों किया, ये जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो और भी गलत है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी जो भी राय हो, जो भी आप सोचते हैं कि इस घटना के बारे में इन तीन लोगों ने अपनी जिस तरीके से जान दी है और जिस वजह से जान दी है, उस पर आप क्या कहते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और घटना, किसी और समाचार के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जान ही रहे हैं कि इस समय कोरोना की थर्ड वेव में हमारा देश, क्या पूरी दुनिया घिरी हुई है। बहुत संभल के चलने का वक्त है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।